नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और इस पैंडेमिक सिचुएशंस में हमारे बीच सनी शाह हैं, इनसे बात करेंगे। कोरोना काल में गरीबों की मसीहा बनकर के आई, जिस तरह से यह कोविड पेशेंट के मरीजों के अटेंडेंट को खाना पहुंचाया जा रहा था इनके द्वारा, क्या क्या हुआ ये इनसे हम बात करते हैं। स्पेशली सनी शाह जी से, क्या आपका क्राइटेरिया था, किस हिसाब से आपने यह सेवा में समर्पित किया था? मेरा क्राइटेरिया फूड का था। मैं कोविड पेशेंट्स और उनके फैमिलीज के लिए खाना बनाती थी। मेरे पापा इसमें हेल्प करते थे, मैं रोटी बनाती थी अपने भाई की मदद से, और मेरे पापा जो है वो सब्जी बनाते थे। पापा भी सपोर्ट किए, पापा सब्जी बनाते थे और हम रोटी बनाते थे। कितने दिनों से ये कंटिन्यू चल रहा है? अराउंड 45 डेज हो गया है, 60 कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो खाना बनने के बाद कैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं? खाना हम लोग बना देते हैं, उसको पैक कर देते हैं, फिर बिहार छात्र संसद के सोनू भैया हैं वो आते हैं और खाना ले लेते हैं, और बहुत सारे जगह हर एरिया में हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ से भी डिमांड रहता है उसी को पूरा करते हैं। तो कैसा लगा कोरोना काल में, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा, हमेशा से ये मन में था कि हम लोगों को काम करना है, बट वो चीज हो नहीं पाता था, बट इस बार करे ये बहुत अच्छा लगा। संदेश यही है कि मतलब लोग क्वारंटाइन रहे, घर में आराम से रहें, बाहर निकलेंगे तो फिर खतरा है। अपनी साफ शब्दों में आपने देखा कि उनका यही कहना है कि सेवा में समर्पित रहना है, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोविड रूल्स को फॉलो करना है, सैनिटाइजर मास्क ये सब का इस्तेमाल करना है। और इनका मेन मकसद है क्या कि जो भी अटेंडेंट हैं हॉस्पिटल्स में जो एडमिट हैं उनके अटेंडेंट को खाना पहुंचाया जा रहा है। छात्र संघ के सोनू भैया का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इसी तरह खबरों के साथ बने रहिए कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।